हरियाणा प्रदेश सहित कुरुक्षेत्र में 3 दिन तक चलने वाली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर आज कुरुक्षेत्र पुलिस पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में पुलिस और खुफिया तंत्र, संदिग्ध व्यक्तियों और कोचिंग सेंटर्स पर भी नजर रखे हुए हैं। बता दें, पुलिस सिपाही पद की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लगाई गई है। इन परीक्षाओं के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यही वजह है कि ये परीक्षाएं सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही हैं। आज से परीक्षा 31 अक्टूबर 1 व 2 नवंबर 2021 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक व शाम के सत्र में 3 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इस समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाइल फोन, वाईफाई यंत्र लेकर जाने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की मशीनें भी बंद रखी गई हैं। एग्जाम हो रहे हैं हरियाणा पुलिस के, 3 दिन तक तो आप विजिट करने गए हैं, क्या कुछ देखा आपने, कहाँ कहाँ सेंटर से? हमारे करीब कुरुक्षेत्र में 60 सेंटर्स हैं, जिसमें 3 दिन के लिए ये सिपाही की भर्ती का एग्ज़ाम चलेगा। और सुबह से सारे अफसर, हमारे सारे मुलाजिम काफ़ी सख्ती से इसमें अच्छी चेकिंग करते हुए, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम ये परीक्षा को संपन्न करवाएंगे, पूर्ण करवाएंगे। और अभी तक बहुत पीसफुली एग्ज़ाम चल रहा है और आशा है कि आगे भी 2-3 दिन तक ये अच्छे से एग्ज़ाम हम संपन्न करवा पाएंगे। कोई खास